नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में आज जानते हैं 440 वोल्ट की एलटी लाइन में अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर जो हम कंडक्टर को पोल सपोर्ट पे सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, तो जानेंगे पिन और साइकिल इंसुलेटर के बारे में। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट में जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर थर्मल हाइडल प्रकार के हो सकते हैं या नॉन कन्वेंशनल सोलर विंड पावर जैसे हो सकते हैं, उनमें बल्क अमाउंट में जब किया जाता है तो जनरेशन की वोल्टेज लेवल को इकोनॉमी और सेफ्टी के लिए 11 kV या 33 kV रखा जाता है। अक्सर ये पावर प्लांट लोड कंजम्पशन के जो हमारे लोड एंड्स हैं उनसे काफी दूर होते हैं, तो इकोनॉमिक और एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोड सेंटर की तरफ जनरेशन प्लांट से भेजते हैं, पावर की ट्रांसमिशन वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर की मदद से स्टेप अप करके 765 kV, 400 kV, 220 kV कर ली जाती है। इस तरह से प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करने से सेम इलेक्ट्रिक पावर के लिए लाइन में करंट्स कम हो जाते हैं। कम करंट पे लाइन में कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होने से ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम हो जाती है। वोल्टेज बढ़ाने से जो करंट कम होता है उससे लाइन के इम्पीडेंस में ओमिक पावर लॉस कम हो जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं भी कम हो जाती है, तो हमारी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। लेकिन बढ़ी हुई वोल्टेज पे जो ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट्स हैं, टावर स्ट्रक्चर और जो दोनों तरफ टर्मिनल्स पे सबस्टेशंस पे प्रोटेक्शन और कंट्रोल के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लागतें बढ़ जाती है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इंक्रीज्ड वोल्टेज से करंट कम होने से कुछ कॉस्ट पैरामीटर्स रिडक्शंस की तरफ जाते हैं, वहीं इंक्रीज्ड वोल्टेज से कुछ दूसरे कॉस्ट कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं। तो ऑप्टिमम वोल्टेज लेवल पावर की अमाउंट और लाइन की लेंथ के अनुसार कोऑर्डिनेट किया जाता है। जब ट्रांसमिशन लाइन में पावर और लेंथ अधिक होती है हम ज्यादा वोल्टेज लेते हैं, और जब पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं उसकी अमाउंट कम हो जाती है, डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, तो पावर के सेकेंडरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के समय वोल्टेज लेवल्स को कम कर लिया जाता है। लंबी दूरियों पे बल्क पावर के प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में पावर का मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ लाइन दोनों कम हो गई है, तो हम वोल्टेज लेवल को पहले सेकेंडरी ट्रांसमिशन के समय 132 kV पे रिड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में इस वोल्टेज को 132 से स्टेप डाउन करके 33 और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के समय इसी 33 kV वोल्टेज को हम ट्रांसफॉर्मर की मदद से 11 kV में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप डाउन कर लेते हैं, और ऐसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की 11 kV वोल्टेज को हम पोल माउंटेड सबस्टेशन में कंज्यूमर के काफी करीब स्टेप डाउन करके 3 फेज में 440 वोल्ट में 4 वायर सप्लाई के तौर पे बदल लेते हैं, जहां 3 फेज में लाइन टू लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है और सिंगल फेज में लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज 230 वोल्ट मेंटेन की जाती है। और यहां जो पोल माउंटेड सबस्टेशन का ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में ये जो 4 LT की बुशिंग्स है उससे एक स्टेप डाउन 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सप्लाई को हम एक LT लाइन से कंज्यूमर के सिरों पर, जहां कंज्यूमर का रेजिडेंस है, लोड की कंजम्पशन है, वहां पर हम एक LT लो टेंशन 440 वोल्ट लाइन से इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को पहुंचाते हैं। एक ओवरहेड LT लाइन में 3 फेज 4 वायर सप्लाई के लाइव कंडक्टर्स को हम पोल पे इंसुलेशन की मदद से सपोर्ट करते हैं और हम 7.5 या 8 मीटर की हाइट के RCC या PCC पोल स्ट्रक्चर पे पिन इंसुलेटर या स्ट्रेन टाइप शकल इंसुलेटर की मदद से लाइव कंडक्टर को एक दूसरे से और पोल स्ट्रक्चर से सेपरेट करते हैं। हम स्ट्रेट रन की पोजीशंस पे हल्के कम लागत के प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के पोल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दोनों स्टार्ट और डेड एंड की टर्मिनल पोजीशंस पे बहुत ज्यादा एंगल डेविएशन या बीच में स्पान को कट करने वाले एंकरिंग पॉइंट्स पे हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, और लाइन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस पोल स्ट्रक्चर पे आ रही है उसे बैलेंस करने के लिए गाई स्टे
अरेंजमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइन में जो पिन इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो माइल्ड स्टील की 4 सिंगल पीस पिन है उसे हम एक क्रॉस आइटम क्रॉस बार्स पे हेक्सागोनल नट से स्प्रिंग वॉशर के साथ अटैच करते हैं और क्रॉस बार्स को इस तरह के एक पोल क्लैंप के साथ पोल से अटैच किया हुआ होता है। वहीं जो शेकल टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर हैं उन्हें यू या स्ट्रैप टाइप जो माउंटिंग्स हैं उनके साथ पोल से अटैच किया जाता है और आरसीसी और पीसीसी पोल में सुटेबल डिस्टेंस पोजीशंस पर होल्स के प्रोविजन किए हुए होते हैं जिन होल्स में हम शेकल इंसुलेटर की पोजीशनिंग कर सकते हैं। थ्री फेज फोर वायर सप्लाई में ये जो ऊपर के तीन तार हैं या ये साइड के तीन तार हैं वो लाइन तार हैं, इनके क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल और अधिक रखे जाते हैं। वहीं ये जो चौथा न्यूट्रल का लाइन कंडक्टर है इसका साइज फेज कंडक्टर से आधा रखा जाता है और इसके अलावा एक कंटिन्यूअस, ध्यान रहे 11 केवी की लाइन में कंटिन्यूअस अर्थ वायर नहीं चलता था, वहां हर इंडिविजुअल पोल की अर्थिंग करते थे, लेकिन LT 440 वोल्ट सप्लाई में एक कंटिन्यूअस 8SWG का GI वायर भी अर्थिंग के साथ पोल टू पोल लाइन के साथ पैरेलल में चलता है। एक स्ट्रेट माइल्ड स्टील का 65mm x 65mm साइज का एंगल आयरन पीस पोल के साथ क्रॉस किया हुआ पोल टॉप से 275mm की दूरी पर एक सुटेबल 50mm चौड़ाई और 6mm मोटाई के लगभग 428mm लेंथ को सुटेबली शेप देके यहाँ 16mm डायमीटर और 60mm लेंथ के नट बोल्ट वॉशर से क्लैंप कर दिया जाता है। इस क्रॉस आर्म्स पे सुटेबल पोजीशंस पर जो होल्स बने हुए हैं उनमें हम पिन इंसुलेटर को प्लेस करते हैं और एक पोल के टॉप पे एक पोल टॉप हैम्पर या ब्रैकेट यहाँ नट बोल्ट से कसा जाता है, उसके ऊपर भी एक पिन इंसुलेटर को लगाया जाता है। क्रॉस आर्म्स और ये सपोर्ट पिन इंसुलेटर पे रखे हुए कंडक्टर को एक दूसरे से भी सेपरेशन पे रखते हैं और लाइव कंडक्टर पोल स्ट्रक्चर से भी इंसुलेटेड रहता है। LT लाइन में हम ये जो तीनों लाइन के कंडक्टर्स हैं इनमें हॉरिजॉन्टली लाइन टू लाइन 450mm का सेपरेशन रखते हैं। वहीं लाइन से न्यूट्रल या लाइन से अर्थ का सेपरेशन, अगर हमारी लाइन में सैग कम है, छोटे स्पान की लाइन है, सैग कम है, तो ये सेपरेशन 300mm रखा जाता है और अगर बहुत लंबा सैग होने पे 750mm से भी ज्यादा 1 मीटर जैसे सैग कंडीशंस पे इस सेपरेशन को 450mm रखा जाता है। 440 वोल्ट की LT लाइन पे जो ये क्रॉस आर्म्स लेते हैं इसकी लेंथ इतनी ली जाती है कि ये सारे पिन इंसुलेटर पे इंसुलेशन को रिक्वायर्ड क्लियरेंस के साथ फिक्स कर सके। हम लाइन टू लाइन कंडक्टर के बीच में हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 450mm लेते हैं, वहीं लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू अर्थ अगर सैग कम है तो ये 300mm की क्लियरेंस के साथ दोनों किनारों से पिन होल को 30mm की दूरी पे रखें। तो इस थ्री फेज फोर वायर सप्लाई की 65x65mm डायमेंशन की एंगल आयरन जिसकी मोटाई 6mm है, हम 1110mm लेंथ लेंगे जिसका अप्रोक्सीमेट वेट 6kg के आसपास रहेगा। एक एडिशनल तीनों लाइन के कंडक्टर को प्लेस करने के लिए जो तीन पिन इंसुलेटर चाहिएंगे उसे हम यहाँ पोल टॉप ब्रैकेट या हैम्पर पे नट बोल्ट से फिक्स करेंगे। जो क्रॉस आर्म्स को फिक्स करने वाला पोल क्लैंप ब्रैकेट है वो 50mm चौड़ाई और 6mm मोटाई की MS फ्लैट का लगभग 450mm लेंथ को शेप देकर यहाँ 16mm डायमीटर के नट बोल्ट से कसा जाता है। जो पोल पर क्रॉस आर्म्स की ओरिएंटेशन बनाई जाती है वो लाइन की अलाइनमेंट के साथ मैचिंग करके होती है ताकि लाइन के वर्टिकल फोर्सेस का एक्सर्शन क्रॉस आर्म्स पर आए और यहाँ पोल क्लैंप ब्रैकेट पे या पिन इंसुलेटर पे किसी भी तरह की स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। और क्रॉस आर्म्स इस तरह से डिजाइन की हुई होती है कि वो सारा रिजल्टेंट फोर्स जो कंडक्टर इंसुलेटर उनके पिन सपोर्ट्स एक्सर्ट करेंगे उसे विदस्टैंड कर सकती है। सभी दूसरे आउटडोर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की भांति ही LT लाइनों के पिन इंसुलेटर और सेकल इंसुलेटर भी पोर्सेलिन से बनाए जाते हैं। पोर्सेलिन की कंपोजिशन में 24% फेल्सपार, 30% कॉयलिन है जो बेसिकली चाइना क्ले है और 10% बाल क्ले के साथ और मिला दी
जाती है। हम क्वार्ट्स 26% यूज करते हैं और कुछ सिलिका का इस्तेमाल होता है। पोर्सेलिन को हम एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर की फायरिंग में एक ऑटोमेटेड क्लिन में बनाते हैं, जहां सारे जो इंग्रेडिएंट है क्ले, कोयलिन, फेल्सपार और क्वार्ट्स, इनको पाउडर फॉर्म में मिक्स करके मोल्डिंग करके हम फायरिंग से विट्रिफिकेशन करते हैं। इंसुलेटर की सरफेस पे एक ग्लेज की हुई होती है और इस ग्लेजिंग से इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, उसका सरफेस स्मूथ और शाइनी हो जाता है, उस पे वाटर डिपोजिशन कम होने लगता है। हमने HT इंसुलेटर की एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, वहां पोर्सेलिन की प्रोसेसिंग को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पोर्सेलिन की मैन्युफैक्चरिंग में जो हम कोयलिन चाइना क्ले ऐड करते हैं वो मिक्सचर में प्लास्टिसिटी देती है, इससे हमें एक टिपिकल जो शेप इंसुलेटर बॉडी को चाहिए उसे शेपिंग करने में आसानी रहती। फेल्सपार फ्लक्स का काम करता है और इससे विट्रिफिकेशन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। विट्रिफिकेशन वो कंडीशन है जिसमें ये सारे जो मटेरियल ग्लास फॉर्मेशंस के हैं वो आपस में बाइंड होना शुरू करते हैं और बाइंडिंग से स्ट्रेंथ प्राप्त करने लगते हैं। फेल्सपार विट्रिफिकेशन के टेम्परेचर को कम कर देता है। क्वार्ट्स एक रिफ्रेक्टरी आइटम है जो क्रिस्टलाइन फेज के दौरान ढांचा प्रदान करने का काम करता है, स्केल्टन प्रोड्यूस करता है, इससे इंसुलेशन की बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है। सिलिका फिलर मटेरियल की तौर पे इस्तेमाल होता है और इससे इंसुलेटर की फॉर्मिंग और फायरिंग में भी इम्प्रूवमेंट आता है और फाइनल प्रोडक्ट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जो 1.1 kV रेटिंग की पोर्सेलिन पिन इंसुलेटर हैं, इन्हें हम सिंगल पीस में बनाते हैं और ये मॉडरेट पॉल्यूटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस में भी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी काम करने में सक्षम है। पोर्सेलिन इंसुलेटर की सरफेस फिनिश अच्छी होनी चाहिए, ये पूरी तरह से साउंड होना चाहिए, सभी प्रकार के डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए और पूरी तरह से विट्रीफाइड होना चाहिए, सब जगह बॉन्डिंग्स अच्छी तरह से बनी हुई होनी चाहिए, सरफेस पे या अंदर कहीं भी क्रैक्स या बर्स नहीं होने चाहिए और पूरी पोर्सेलिन स्ट्रक्चर पे एक स्मूथ ब्राउन ग्लेजिंग की हुई होनी चाहिए। पोर्सेलिन पिन इंसुलेटर के पास पर्याप्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होने से इलेक्ट्रिक पंक्चर वोल्टेज को विदस्टैंड करने की कैपेसिटी हाई है, ये सभी तरह के क्लाइमेटिक और एटमोस्फेरिक अटैक के प्रति सुरक्षित है। जो पिन इंसुलेटर की डिजाइन की जाती है, मटेरियल कंपोजिशन ली जाती है अटैचमेंट की, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो किसी भी प्रकार की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो इंसुलेटर के वर्किंग को मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली डैमेज ना करें। पोल सपोर्ट पे लगी हुई क्रॉस आर्म्स पे सुटेबल पोजीशंस पे पिन इंसुलेटर की पिन को अटैच करके पिन इंसुलेटर को प्लेस कर दिया जाता है और इस इंसुलेशन के ऊपर और साइड में जो ग्रूव्स कटे हुए हैं वहां हम लाइन के कंडक्टर को पोजीशन कर सकते हैं और कंडक्टर को एक सॉफ्ट एनील्ड एल्युमिनियम वायर से, टाई वायर से बांध सकते हैं, जैसे यहाँ चार सर्किट्स की जो फोर वायर सप्लाईज हैं वो एक पोल स्ट्रक्चर पे पिन इंसुलेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं और ये नीचे दो अर्थिंग के वायर के लिए अर्थनोप्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जो पिन इंसुलेटर है वो कंडक्टर के अटैचमेंट को सिक्योर और स्टेबल रखता है। कंडक्टर का लाइव कंडीशन किसी भी पोल स्ट्रक्चर के नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर से इंसुलेटेड रखी जाती है और मैकेनिकली कंडक्टर स्टेबल यहीं इस ग्रुप पोजीशंस पर टिका रहता है। जो नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज 440 वोल्ट के लिए LT लाइनों के पिन इंसुलेटर डिजाइन किए होते हैं वो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 1100 वोल्ट 1.1 केवी पे भी काम करने के लिए डिजाइन होते हैं। पिन इंसुलेटर की ओवरऑल हाइट 100 mm और सबसे बड़ी बॉटम पे डायामीटर 70 mm है और लाइव कंडक्टर को जब हम प्लेस करते हैं तो क्रॉस बार्स पर अटैच पिन के साथ जो ड्राई क्रीपेज डिस्टेंस है वो ठीक है 66 mm। पिन इंसुलेटर ड्राई कंडीशंस पे पावर फ्रीक्वेंसी को 1 मिनट तक 23 kV तक सहन कर सकता है, वहीं वेट कंडीशंस पे ये जो विदस्टैंड वोल्टेज लेवल है वो 10 kV है। ड्राई कंडीशंस पे सरफेस के ऊपर जो फ्लैश ओवर है वो 20 से 35 kV, अलग अलग डिजाइन में ये वैल्यूज में काफी बड़ा वेरिएशन हो सकता है, वहीं वेट कंडीशंस में ये वैल्यू जब ऊपर का सरफेस वेट हो जाता है तो 10 से 25
किलोवोल्ट रह जाती है। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसमें पंक्चर विद स्टैंड वोल्टेज फ्लैश ओवर वोल्टेज से 30% ज्यादा 1.3 टाइम्स होनी चाहिए। पिन इंसुलेटर को क्रॉस बार्स पे अटैच करने के लिए जो माइल्ड स्टील की पिन का हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल पीस में फोर्जिंग प्रोसेस से बनानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की वेल्डिंग या दूसरी तरह की फास्टनिंग या ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। पिन इंसुलेटर की कॉलर और शेंक स्मूथ होना चाहिए। पूरे पिन स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के डिफेक्ट्स या फ्लॉज नहीं होने चाहिए। पिन इंसुलेटर को अटैच करने के लिए जो पिन हम इस्तेमाल करते हैं इसकी ओवरऑल लेंथ 260 mm है, जिसमें से 135 mm स्टॉक लेंथ पिन इंसुलेटर की बॉडी के अंदर आ जाएगी, जिसमें ऊपर 16 mm डायामीटर में 32 mm लेंथ में जो थ्रेडिंग की हुई है वो यहाँ पिन इंसुलेटर की बॉडी में जो इंटरनल थ्रेड्स बने हुए हैं उनके साथ अटैच हो जाती है। और नीचे की जो 125 mm शैंक लेंथ है उसमें नीचे 75 mm जो थ्रेड्स हैं वो थ्रेड्स क्रॉस बार्स पे एक हेक्सागोनल नट और स्प्रिंग वॉशर के साथ अटैचमेंट में काम में लिए जाते हैं। एक पिन का अप्रोक्सीमेट वेट 400 ग्राम के आसपास है और ये 2 किलो न्यूटन तक का लोड विदस्टैंड कर सकती है। पिन इंसुलेटर को और पिन को अटैच करने के लिए यहाँ हम थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेसेस को विदस्टैंड करने के लिए एक स्पेशल सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो पोर्सलिन और हार्ड पिन मटेरियल के बीच में एक शॉक एब्जॉर्वर का काम करती है और इसे और स्ट्रेंथिंग देने के लिए इस सीमेंट के ऊपर एक हल्की बिटुमन की कोटिंग की जाती है। पिन इंसुलेटर में एक टिपिकल छातानुमा अम्ब्रेला टाइप शेप बनाई जाती है। इससे ऑपरेटिंग कंडीशंस में रेन की कंडीशन में जब आउटर सरफेस वेट भी हो जाएगा तब भी ये जो अम्ब्रेला पेटीकोट है वो नीचे यहाँ ड्राई सरफेस को मेंटेन रखता है। इससे कंडक्टर और पिन के बीच में 66 mm का एक सफिशियंट ड्राई क्रीपेज डिस्टेंस अवेलेबल हो जाता है। इससे हमारी जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है अलग अलग डिजाइन में अलग अलग होगी वो 10 से 25 kV तक चली जाती है। पिन इंसुलेटर की प्राइस काफी कम है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, डिजाइन सिंपल है और इन्हें इस्तेमाल करने के दौरान मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। पिन इंसुलेटर को क्रॉस आर्म्स या पोल टॉप हैम्पर ब्रैकेट पे जब लगाते हैं और कंडक्टर को जब पिन इंसुलेटर के ऊपर लगाया जाता है तो हमें ग्राउंड से कंडक्टर की मिनिमम क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए पोल की हाइट ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम छोटे 7.5 मीटर के पोल का भी इस्तेमाल एलटी लाइंस में पिन इंसुलेटर के साथ कर सकते हैं। एक सीधी लाइन या 10 डिग्री तक के एंगल डेविएशन वाली लाइन पे हम स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स पे हॉरिजॉन्टली पिन इंसुलेटर को लगा के टेढ़ी लाइन को भी पिन इंसुलेटर के ऊपर लगा सकते हैं। लाइन में कुछ मिस अलाइन होने से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उन्हें पोल पे बैलेंस करने के लिए सुटेबल गाई सपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब लाइन में एंगल डेविएशंस ज्यादा हो, स्टार्ट या एंड के टर्मिनल पोजीशंस हो या कोई बीच का एंकर पोल हो तो हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के तौर पे शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। शेकल इंसुलेटर को हम स्पूल इंसुलेटर भी कहते हैं, जिसमें यहाँ बीच के होल में एक नट बोल्ट के साथ इंसुलेटर को यू क्लैंप या स्टेप्स के साथ लगा दिया जाता है। हम पिन इंसुलेटर का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे लाइन को टर्मिनल एंड पोजीशंस पे पोल से इंसुलेट करने के लिए या एक स्ट्रेट रन में वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस में लाइन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में स्पूल इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्लैंप को क्रॉस बार्स के साथ अटैच किया जाता है, उसी तरह से जिस तरह से हमने पिन इंसुलेटर को कनेक्ट किया था। और जब हम वर्टिकल लाइन की पोजीशनिंग करते हैं तो स्पूल या शेकल इंसुलेटर का यू क्लैंप या स्ट्रैप पोल में जो सुटेबल लोकेशंस पे होल बने हुए हैं उनमें अटैच किया जा सकता है। प्रैक्टिस में दो तरह के शेकल इंसुलेटर 75 mm लेंथ और 100 mm लेंथ के अवेलेबल हैं। जो शेकल या स्पूल इंसुलेटर की डिजाइन की जाती है उसमें किनारों पे जो होल की पोजीशंस है उन्हें टेपर कर दिया जाता है ताकि पिन लगाने के बाद यहाँ जो मैकेनिकल लोड डेवलप होगा वो पूरे स्पूल इंसुलेटर के वॉल्यूम में इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और किसी भी प्रकार के हैवी लोड की कंडीशंस पे जो शेकल इंसुलेटर में मैकेनिकल ब्रेकेज होने की पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें रोका जा सके। हम एक सॉफ्ट वाइंडिंग वायर एनील्ड एल्यूमिनियम की इस्तेमाल करके इस ग्रूव में कंडक्टर को फिक्स कर सकते हैं। शेकल या स्पूल इंसुलेटर को पोल पे अटैच करने के लिए दो तरह की हार्डवेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया
किया जाता है। एक में एक यू शेप के क्लैंप को जो 40 mm चौड़ाई की और 6 mm मोटाई की MS फ्लैट से रिक्वायर्ड डायमेंशन के साथ बनाया हुआ होता है, उसे यहाँ एक नट बोल्ट की मदद से पोल के साथ अटैच किया जाता है, चाहे हमारा स्पूल 75 mm लेंथ का हो या 100 mm लेंथ का हो। शेकल इंसुलेटर को यू क्लैंप की मदद से पोल पर अटैच करने का इस्तेमाल हम लाइट लोडेड कंडीशंस में जब एंगुलर डेविएशन की टेंजेंट लोकेशंस हो या कोई टी ऑफ कंडीशंस हो या बीच का एंकर पोल हो वहीं करते हैं। डेड एंड पोजीशंस पर जहां मैकेनिकल फोर्सेस ज्यादा हैवी लोडेड हो जाते हैं यू क्लैंप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और हैवी लोड की डेड एंड लोकेशंस पे हम स्टेप टाइप फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा शक्ल 75 mm लेंथ का है तो स्ट्रैप 30 mm चौड़ाई और 3 mm मोटाई का लिया जाता है और उसे इस तरह की टिपिकल शेप देके यहाँ पोल पर माउंटिंग के लिए 16 mm डायमीटर के 115 mm लेंथ के बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब शेकल 100 mm लेंथ का है तो पोल स्ट्रैप की विड्थ 40 mm थोड़ी ज्यादा कर ली जाती है, मोटाई वही 3 mm रखी जाती है और उसी तरह से नट बोल्ट की मदद से इंसुलेशन के स्ट्रैप्स को पोल सपोर्ट पे अटैच कर लिया जाता है और स्ट्रैप्स के बीच में नट बोल्ट स्प्रिंग वॉशर की मदद से शेकल इंसुलेटर को फिक्स कर लिया जाता है। एक शेकल इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ड्राई और वेट कंडीशंस में 1 मिनट तक पावर फ्रीक्वेंसी को विदस्टैंड करना, फ्लैश ओवर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पिन इंसुलेटर जैसे ही है। इन दिनों हम पिन या शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं क्योंकि सभी LTE लाइन्स में ओवरहेड या अंडरग्राउंड एरियल बंस्ड कॉइल के रूप में ओवरहेड और आर्मर्ड कॉइल के रूप में अंडरग्राउंड LTE डिस्ट्रीब्यूशन करने का चलन बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में ओवरहेड LTE लाइनें इंसुलेशन सपोर्ट की बजाय एरियल बंस्ड कॉइल के साथ दिख रही हैं या फिर अंडरग्राउंड आर्मर्ड कॉइल के साथ LTE डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से LTE ओवरहेड लाइन में जो पिन और शेकल इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री, फिक्सिंग और एप्लीकेशन क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो की मदद से आप अपनी इस सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, बेहतर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें, तरक्की करें, यही उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।